नवाज शरीफ को नून लीग ने बाहर नहीं भेजा। वजीर सेहत पंजाब ने बीमारी की तस्दीक की। हुकूमत अब ड्रामेबाजी कर रही है। लीगी कायद सेहतयाब होकर वापस आएंगे और कानून का सामना करेंगे। लीगी रहनुमाओं ने वाजे कर दिया, कहा इलाज कराना नवाज शरीफ का हक है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मजाक उड़ाया गया। बरतानिया को फैसला भेजने से पाकिस्तान की जग हंसाई होगी। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। मुल्क की बदकिस्मती है कि गैर मुंतखब शुदा लोग मुल्क पर मुसलत हैं। हमने उन पर तहफ्फुज़ात रखने के बावजूद उन्हें कबूल किया। आज का जो फैसला है वो जनरल मुशर्रफ के असूल और ज़ाब्ते से अगर हटकर है, इस पे हमारे तहफ्फुज़ात हो सकते हैं, लेकिन बहसियत लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हम अदालत का एहतराम करते हैं, दिल से करते हैं। आज भी जो फैसला आया है मियां नवाज शरीफ 100% उसकी तामील करने पे तैयार हैं। उनको आज से चंद माह कबल जो है अदालत आलिया ने रुख्सत दी और उनको बाहर जाने की इजाज़त मिली। वहाँ पे 4-5 अस्पतालों में एडमिट होके जेरे इलाज रहे। मेडिकल इंटरवेंशन की नौबत आई तो कोविड की वजह से वो ना हो सकी। हालात में भी उनकी रिपोर्ट्स जो है यूके की सबमिट की गई हैं। अब जो फैसला आया है हम उसके ऊपर भी सरे तस्लीम खम करते हैं और वो सेहतयाब होके वतन वापस आएँ। वो कानून का भी सामना करेंगे, अदालतों का भी सामना करेंगे। तारीखी नारा इस कौम को दिया हुआ है कि वोट को इज्जत दो। मियां नवाज शरीफ जो है अपने नज़रिए पे उसी तरह कायम है चट्टान की तरह जिस तरह वो अपनी सियासत में पिछले 30 साल से कायम है। इस सारे मामले में पोशीदा रह गई कि उनकी सेहत क्या है। रिपोर्टें बड़ी वाजे हैं, उनकी तशहीर होनी चाहिए। यहाँ जो हुकूमत की नाकामी है, जब वो गए एक एग्रीमेंट था कि हुकूमत वेरीफाई करेगी उनकी सेहत हाई कमिश्नर के जरिए, इसका दो पेशियों में अदालत ने भी हुक्म दिया लेकिन कोई रिपोर्ट अदालत में हाई कमिश्नर की जमा ना हो सकी।